हेलो एवरीवन, मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन एक बेसिक पैरामीटर्स पढ़ेंगे। शुरू करें अपन NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन, जो आपका 15 नंबर का कवरेज है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो उसी को अपन क्या करेंगे, आज लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो अपना जो कवरेज है वो पूरा अपन को करना है। तो मैं इसकी जो फॉन्ट है वो मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही अच्छे से सेट हो जाएगी और मैं क्लास को कैरी ऑन करने की तरफ भी हूँ और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट भी ना करूँगा। एक बार सही से सेट हो जाएगा फिर कोई टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, ये जैसे भी है, अब इससे ना तो छोटा हो रहा है ज़्यादा ना, ये आपकी रहेगी फॉन्ट। अब देख लेना, इसी से आपको पढ़ना है। तो मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा उसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा लाइन कि ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं अभी जो बता रहा हूं वो आपके ये वाली चीज़ है। अब इसके अंदर आपको देखना है, इसके अंदर आपको क्या देखना है कि सबसे बढ़िया चीज़ आपको ये देखनी है कि ये चीज़ आपको देखनी है। इसके अंदर आप देखोगे जो मैंने लिखा है अभी वो कि द नेशनल, क्या लिखा है, द नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM है वो एनकंपसेस हुआ है इट्स टू सबमिशन। इसके अंदर दो सबमिशन आते हैं। पहला जो अपन मानते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कौन सा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी ये आया था 2005 के अंदर। दूसरा अपन मानते हैं इसी के अंदर दूसरा पार्ट है अपना नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, कौन सा है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये अपन दोनों इसके अंदर कंसिडर करते हैं। ये फंक्शन, ये इसके अंदर इसके NHM है जो NHM 2013 में आया था, 1 अप्रैल 2013 में आया था और 12 अप्रैल 2005 को क्या आया था, यहाँ पे NRHM आया था। NRHM पहले आया था, फिर NHM को, NHM कब बनाया, जब NRHM और NUHM दोनों को मिक्स किया तब क्या बनाया, NRHM, यहाँ पे NHM बना दिया, एक ही मतलब एक प्रोग्राम बना दिया। और उसी के अंदर NRHM भी यानी रूरल का एरिया भी आता है, उसी के अंदर अर्बन का एरिया भी आता है। फिर लिखा है यहाँ पे कि जो आपका एक बेसिक पैरामीटर है, बेसिक पैरामीटर जो बार बार पूछा जाता है कि आपको अगर मैं बता दूँ कि ये लिखा है इन्होंने कि द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म अपन ये बोल सकते हैं, कौन सी बोल सकते हैं, ये वाली RMNCH, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। मतलब RMNCH जो है वो प्रोग्राम भी इसी के अंदर आता है और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल, रिप्रोडक्टिव यानी मैटरनल यानी मदर की जो प्रेगनेंसी कंडीशन में है उसकी, एवं नियोनेटल, नियोनेटल यानी जो अभी बर्थ हुआ है, चाइल्ड और एडोलेसेंट तक की जो हेल्थ आती है वो इस NHM के अंतर्गत आती है। NHM के अंतर्गत ही उनको ले लिया है। और क्या लिया है इन्होंने NHM के अंदर, NHM के अंदर आपको पूछ सकते हैं ऐसा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये जो दोनों ही डिजीज है वो भी क्या है, NHM के अंदर इंक्लूड की है इन्होंने। NHM के अंदर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो भी इंक्लूड। जो मैं हाईलाइटर कर रहा हूँ वो आपको लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी बात वही मैं बताऊंगा यहाँ पे। और जो भी आपके जो होगा इसके अंदर जो कवरेज है आपका पूरा का पूरा वो सारा मैं कवर करने वाला हूँ। अब आता है अपना टॉपिक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्योंकि सबसे पहले क्या आया था, NRHM आया था। अब NRHM आया था तो अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा NRHM, क्या NRHM क्या होता है। तो NRHM इसमें लिखा है, फिर आगे अगर अपन लाइन पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2005। ये कब लॉन्च हुआ, अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। कब किया लॉन्च, अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर वापस कितनी मतलब ब्रांचेस आती है वो सारी भी अपन क्या करेंगे, लर्न करने वाले हैं, वो भी शॉर्टली, ठीक है। तो अगर अपन इसके बाद क्या, अगर कवरेज देखेंगे, इसके बाद का कवरेज आता है अपने सामने,
फिर अपन बात करें एनआरएचएम की, बात अपन ने कर ली। अब एनआरएचएम क्यों लाए थे, ये सबसे पहली चीज तो ये आती है कि एनआरएचएम क्यों लाए थे, क्योंकि गांवों के अंदर उस समय जब देश आजाद हुआ अपना, उसके बाद में बहुत ही गांव के अंदर ज्यादा मतलब हेल्थ की जो कंडीशन है वो बिगड़ती गई। उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने 2005 में सोचा कि अपन एक प्रोग्राम चलाते हैं, और वो प्रोग्राम एनआरएचएम होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मतलब गांवों के अंदर, विशेषकर गांवों के अंदर क्या करना, हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करना और डिजीज है उसको सप्रेस करना, ये इनका मोटो था, मेन मोटो यही था। तो इसी के लिए इन्होंने प्रोग्राम चलाया था ये। देन अब गाँव का तो विकास हो गया, गाँव के तो हेल्थी बन गए सब जने, लेकिन अब शहरों में क्या हो रहा था, शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, मलेरिया सबसे ज़्यादा शहरों में फैल रहा था, सबसे ज़्यादा जो है वो शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो उसी को कम करने के लिए इन्होंने क्या लाया था, ये क्या लाया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। क्या लाया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, जो भी आपकी नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो पैरामीटर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पास पूरी बुक है और मैं इसको आपके सामने, इतना टाइम नहीं है अपने पास में, क्योंकि अपने पास में टाइम कितना है, बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, बुक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके अपन पढ़ सकते हैं। तो मैं भी आपके साथ में पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ो, ताकि आप दोनों का नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर नेशनल अर्बन जो हेल्थ मिशन है वो आया था 1 मई 2013 के अंदर। कब आया था, 1 मई 2013 के अंदर। ये आप डेट याद रखना, याद नहीं रखना इसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि ये 1 मई 2013 की जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन एक काम नहीं हुए थे, इस दिन दो काम हुए थे। NUHM भी आया था, मतलब NUHM यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी शहरों के विकास के लिए एक मिशन आया था। मतलब कितने साल बाद में आया, गया आप सोच सकते हो, 8 साल का गैप एक बीच में पड़ गया। उसके बाद में एक 12 अप्रैल को आया था 2005 को, वो आया था NRHM। उसके बाद में NUHM आया, NUHM कब आया, 2013 के अंदर आया। अब दोनों को क्या किया सरकार ने, दोनों को बोला कि दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, और चला कौन रहा है, मैं खुद चला रहा हूँ, मतलब सरकार खुद चला रही है इस दोनों प्रोग्राम को, तो क्यों ना इन दोनों प्रोग्राम को मैं एक ही कर दूँ। तो इनमें से क्या किया इन्होंने, अर्बन को भी हटा दिया और रूरल था उसमें से रूरल को भी हटा दिया, और शॉर्ट क्या बन गया, ये NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन। क्या बन गया, नेशनल हेल्थ मिशन। अब अगर आप पढ़ोगे क्या लिखा है इन्होंने, कैबिनेट अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर लॉन्च द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM एज ए सब मिशन ऑफ NHM विद NRHM बीइंग सब मिशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा, कैबिनेट अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर लॉन्च ऑफ NUHM। NUHM जो था उसका सब मिशन के रूप में NHM स्टार्ट कर दिया इन्होंने विद NRHM, मतलब NRHM को भी इन्होंने साथ में लिया, NHM में ही सब मिशन स्टार्ट किया इन्होंने, NHM और NRHM को भी इन्होंने क्या किया, साथ में ले लिया, रूरल हेल्थ मिशन को भी साथ में ले लिया, ठीक है, ये अपन ये इन्होंने किया था। अब एक और चीज है आपके सामने आती है, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है, याद रखना, ठीक है। तो NUHM जो है वो कवर करती है ऑल स्टेट कैपिटल्स को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये सारी की सारी चीजें। अब अपन इसको पढ़ते हैं वन बाय वन करके पढ़ते हैं अपन, ये पूरा आप सभी के सामने है कि NUHM जो कवर है, कवरेज करती है द स्टेट कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है, एंड सिटीज, टाउन यानी कस्बे विद पॉपुलेशन 50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी आप NUHM के अंतर्गत आते हो। आप मान लो छोटा सा कस्बा है और उसकी पॉपुलेशन है आपकी लगभग 50,000 है, तो आप NUHM के अंतर्गत आते हो और वहां पे NUHM के नियम लागू होंगे, ठीक है। एंड अबोव, मतलब 50,000 और 50,000 से ज्यादा, एज पर सेंसस 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए पॉपुलेशन, तभी आप NUHM में आओगे। अदरवाइज बिलो 50,000 से अगर कम है जनसंख्या, तो वो किसमें आएंगे, वो विल बी टू कवर अंडर NRHM, वो किसमें आएंगे, NRHM में कंसिडर किया जाएंगे, वो किसमें आएंगे, NRHM में। अब आपको ये तो मालूम पड़ गया 50,000 से ज्यादा है पॉपुलेशन वो किसमें आएगी, NUHM में, मतलब नेशनल अर्बन में आ जाएगी वो। 50,000 से कम है वो अभी तक रूरल में ही आएगी,
तो रूरल और अर्बन ये दोनों चीज समझ में आ गई, कब आया वो भी समझ में आ गई सबको। तो चलो आगे बढ़ो। यहां तक चीज समझ में आई सबको? बढ़िया। आगे देन अपने पास में और भी बहुत सारी चीजें आती है इसको लर्न करने के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको मैं बता दूंगा, वैसे कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो अपने को कोई भी घबराने जैसी बात नहीं है, ठीक है? अब लिखा है मैन स्ट्रीमिंग आयुष, तो इसको अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे अपन। देन अगर आगे देखें पर अगर, तो इसी में जो आता है अपना प्रोग्राम नेक्स्ट। हाँ यस, ये सही है बिल्कुल, ये यहीं पे अपन को पढ़ना है। याद रखना नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है? NAS, इस नाम से क्वेश्चन यूपी NHM का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आप वहां पे क्वेश्चन कैसे बना था। 108 से नहीं बना था, 102 से बना था। 102, 102 जो नंबर पे आप कॉल करते हो वो इमरजेंसी नंबर है, किसके हैं? तो आपको क्या लिखना था वहां पे? एम्बुलेंस के हैं। किसके हैं? एम्बुलेंस के, क्योंकि अपन लगातार क्या पढ़ते आ रहे हैं 108। तो क्या लिखा है? एज द डेट्स 32 स्टेट UTS हैव द फैसिलिटी वेयर पीपल्स कैन डायल 108 एंड 102 टेलीफोन नंबर कॉलिंग एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए ये नंबर इन्होंने लॉन्च किया था। और जो आप 108 को कॉल करते हो वो इमरजेंसी कंडीशन में होती है। कब होती है? इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन का अर्थ होता है जैसे आपके कहीं ट्रॉमा हुआ, लग गई, आप कहीं गिर गए, ऐसा कुछ हुआ, आपके एक्सीडेंट हो गया, उस समय आपको बहुत सीवियर पे मतलब मान लो हार्ट अटैक आया किसी को, तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, 108 को अपन कॉल करते हैं। तो ये चीज। अब 102 किसके अंदर आता है? तो डायल 102 सर्विसेज इनिशियली ये यहां तक अपन को पढ़ना है। तो क्या लिखा है? ए डायल 102, 102 सर्विसेज इनिशियली कंसिस्ट ऑफ बेसिक बेसिक पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम टू कैटर नीड प्रेग्नेंट वुमन। याद रखना प्रेग्नेंट वुमन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमन और चिल्ड्रन के लिए 102 नंबर यहाँ पे लिखा गया है। इनको मतलब और ज्यादा मतलब बहुत ही कम टाइम में इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बिना किसी शुल्क के। इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और उसके द्वारा क्या किया जाएगा इनको? सबसे पहली चीज तो होती है मदर को जब भी प्रेग्नेंट होती है या उसका जो लेबर का प्रोसेस होता है उस समय घर से लेकर हॉस्पिटल तक लाना और वापस घर पे छोड़ना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? 102 नंबर की, जिसको अपन एक प्रोग्राम के तहत अपन इसको इंक्लूड करते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये कब आया? अगर इसकी डेट की बात करें तो ये आया 2011 में। कब आया था? 2011 में। एक आता है JSY यानी जननी सुरक्षा योजना, ये आया था 5 अप्रैल 2005 के अंदर, 5 अप्रैल 2005 के अंदर आया था। और ये जननी शिशु सुरक्षा 2011 में आया था, ठीक है? ये चीजें हमेशा याद रखना, आपको पूछ सकते हैं ऐसा एग्जाम में, ठीक है? और एक कंडीशन, हाँ ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ये मतलब एक एग्जाम में पूछा गया था, सपोर्ट टू मोबाइल मेडिकल यूनिट मतलब अंडर NHM, NHM के अंडर आता ही है, जिसमें बहुत NRHM और NHM दोनों की, NUHM दोनों की मतलब मतलब एक ही मतलब ये होती है, दोनों को एक ही के अंदर शामिल किया गया है। पब्लिक हेल्थ केयर पर्टिकुलरली पब्लिक लिविंग रिमोट डिफिकल्टी अंडर सर्व्ड एंड अनरिच्ड एरिया, मतलब जहाँ तक इस हेल्थ सर्विसेज की उपलब्धता नहीं होती है, मतलब पहाड़ी इलाकों में, जैसे ऐसा ऐसा इलाके होते हैं जैसे अपना राजस्थान के अंदर क्या हुआ वो डूंगरूर और बांसवाड़ा वाला इलाका है, तो वहां तक हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। तो नेशनल मोबाइल मेडिकल जो यूनिट बनाई गई है उसी के द्वारा NHM में और NRHM में दोनों के अंदर क्या किया इन्होंने, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। और ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था इन्होंने? मार्च 2019 में। कब शुरू किया? मार्च 2019 के अंदर ये इन्होंने शुरू किया था। आया समझ में?
तो ये अपन को पन्ने पढ़ी लिया, इसके बाद में अपने पास में आता है, अब तो कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें, यस इसके अंदर तो नहीं है। जितनी कोशिश होगी मेरे से उतनी कोशिश मैं करूँगा, और आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। पर इंग्लिश है यहाँ पे, इंग्लिश क्यों है, क्यों हमें इंग्लिश लेके आया, हिंदी वाली क्लास है अपने पास में, लेकिन सवाल देखो इंग्लिश से बहुत अच्छे बैठते हैं। इंग्लिश आप पढ़ोगे तो बहुत ही बढ़िया मतलब तरीके से पढ़ पाओगे, और हिंदी पढ़ोगे जितना हिंदी उतना हिंदी में घुस जाओगे। और हिंदी आती है, लेकिन मैं यूं कह रहा हूँ हिंदी नहीं आती है, लेकिन हिंदी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। चलो ये अपन पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, रेफरल जो फर्स्ट रेफरल फैसिलिटीज है, टू एंश्योर सर्विस प्रोविजनल फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए इन्होंने 24 घंटे 7 दिन सर्विस उपलब्ध कराने की यहाँ पे इन्होंने कहा था एनएचएम ने। पीएचसी हैव बीन मेड अवेलेबल मतलब पीएचसी पर यह सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये हो भी रही है, और मतलब आपके डिलीवरी की सुविधा पीएचसी पर होनी ही चाहिए, 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए पीएचसी पर, और उसकी रेफरल वाली जो प्रोसेस है वो भी मतलब फास्ट होनी चाहिए कुल मिला के। तो ये था इनके पास में मोटो, एंड पीएससी एंड सीएससी के ऊपर ये इन्होंने लागू किया था। और ये जो प्रोग्राम है कायाकल्प अवार्ड, कायाकल्प अवार्ड किसको दिया जाता है याद रखना, कायाकल्प अवार्ड, कायाकल्प का अर्थ होता है काया पलट करना। काया पलट किसकी की जाती है, घर की हो सकती है, आपके मोहल्ले की हो सकती है, आपके किसी की भी मतलब किसी भी प्रकार से हो सकता है कुल मिला के। तो ये जो प्रोग्राम था ये इन्होंने कब चालू किया था, ये प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी ने मतलब ऑन किया था, नरेंद्र जी मोदी ने ऑन किया था। और ये कब किया था, कायाकल्प अवार्ड प्रोग्राम की शुरुआत कब की थी, 15 मई 2015 को, 15 मई 2015 को की थी। मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ आपको, स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो कब लॉन्च हुआ था, यहाँ पे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। तो स्वच्छ भारत जो अभियान है वो लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। उन्होंने ही ये लॉन्च किया था कायाकल्प प्रोग्राम, कायाकल्प अवार्ड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। और ये प्रोग्राम कब ऑन किया था इन्होंने, सबसे पहला अवार्ड कब दिया था, 15 मई 2015 को, 15 मई 2015 को इन्होंने दिया था। और ये क्यों दिया था, ये स्वच्छता रखने के लिए, क्या रखने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए इन्होंने ये मतलब दिया था। फिर अगर अपन देखेंगे यहाँ पे ये इमेज है, बहुत सारी है इमेज भी, बुक है पूरी याद रखना, क्या है बुक है ये कायाकल्प का, ये आपको इमेज दिख रहा होगा सभी को, मैं बता दूं ये आरएमएल जो हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, उसकी वैकेंसी भी आती है, कई बार आपने पढ़ा होगा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उसकी वैकेंसी भी मतलब आती है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई उसमें वर्क करते हैं, तो ये वहाँ का वहाँ पे चलाया जाता था, ये चलाया गया है कायाकल्प प्रोग्राम। ये दूसरी इमेज है इसकी, ये भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का ही है। फिर है अगर अपन बात करें कि ये तो था आपके गाँवों के लिए, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम क्या थे गाँवों के लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं अपन शहरी के, शहर की बात कर लेते हैं अपन थोड़ी बहुत, शहर में बिल्कुल नहीं घुसे अपन। तो एनयूएचएम की अगर बात करें अपन, किसकी बात करेंगे, एनयूएचएम की, तो नेशनल अर्बन जो हेल्थ मिशन है वो आया था 1 मई 2013 को, कब आया था 1 मई 2013 को, ये अप्रूव किया था इन्होंने मतलब सरकार ने, भारत सरकार ने अप्रूव किया था। और मैंने वह चीज़ बताई थी 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए इसके लिए, बाकी वो एनयूएचएम में आएगा, ठीक है, सॉरी एनआरएचएम आ जाएगा, बाकी 50,000 से ज़्यादा होगी वही इसमें आएगा, ठीक है। फिर है फंडिंग पैटर्न, फंड कैसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो फंडिंग पैटर्न की बात करें, फंडिंग पैटर्न नेशनल जो आपका जो अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो फंडिंग पैटर्न है
तो वो है एनआरएचएम आरसीएच फ्लेक्सिबल पुल। क्या है? एनआरएचएम आरसीएच फ्लेक्सिबल पुल, मतलब एक तो एनआरएचएम के अंतर्गत जो आरसीएच प्रोग्राम चला है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, उसके लिए फंड आता था। देन और किसके लिए फंड आता था? देन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन फ्लेक्सिबल पुल, ये वाला, और फ्लेक्सिबल पुल फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और इंस्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ये सारे के सारे क्या थे? इसके यहाँ पे मिशन थे। और इसके अंदर इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बहुत काम किया था इन्होंने। पहला आरसीएच के अंदर काम किया था इन्होंने, फिर यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर किया था इन्होंने काम, और फिर मेंटेनेंस पर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। और बजट का पैटर्न तो आपको पता ही है, ये रहा पूरा बजट है। कोई बात नहीं, इसको इतना लर्न नहीं करना अपन को, अपन को जो चीज़ें लर्न करनी है वही अपन करेंगे, ज़्यादा अपन लर्न नहीं करेंगे, याद रखना। देन इसके अंदर वर्कशॉप, जीआईएस फीचर्स, एचआईएमएस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर मतलब पीएचसी के लिए भी इन्होंने बहुत सारे मतलब प्रोग्राम चलाए थे। तो ये अपने यहाँ पे जो एनएचएम का जो प्रोग्राम था, एनएचएम का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, वो आप सभी के लिए इतना ही था। ठीक है, तो आज के जो हमारी एनएचएम की जो इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है, इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था, एनएचएम कैसा आया था, उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, पहले कौन से थे और अब कौन से हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए इस एक ही क्लास में, और वो भी बुक से बताए हैं मैंने। ठीक है, तो अब जो नई क्लास अपनी आने वाली है वो वापस पीपीटी के रूप में ही आने वाली है। ये आपका इंट्रोडक्शन था, वो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास का पैटर्न या क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। कल मिलते हैं अपन, इसके आगे की बात करेंगे अपन। इसके आगे का मतलब आपके अलग अलग यहाँ पे जो एनएचएम है उसके अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर आपका ब्लॉक लेवल, उस प्रकार से किस प्रकार से आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, डीजीएचएस क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन पूरा का पूरा क्या है, एक प्रकार का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है पूरा। तो अपने कम्युनिटी में सब चीज़ें पड़ी हुई है, बस मैं क्या करूँगा उसको रिकॉल करूँगा, रिवाइज करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।